एक भी गोली लग जाती तो क्या जवाब देते तुम ह्यूमन राइट्स वालों को? सर अगर आपके सामने 5 पुलिस वालों की लाशें होती तो आपको कौन जवाब देता सर? सॉरी सर बस यही नहीं कहना था मुझे उनकी फैमिली वालों से। चल भाई कटा चक्का ना है उसमें, बाइक तो ना हटेगी, आगे बोल। अरे ओ एसएसपी साहब हैं। अबे जानते हैं इसीलिए गाड़ी खराब ना हुई आपकी। तू जीप खराब करेगा हमारी? हाँ तू जीप खराब करेगा हमारी नंगा करके घर भेजूंगा। सर जी पुलिस वाले बिना वर्दी के नंगे अच्छे ना लगे। नंगा तो तू भी अच्छा नहीं लगेगा। बीटेक इन टेलीकम्युनिकेशन राइट? यस सर। लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, विनोद। मैं मुजफ्फरनगर में एक सर्वेलेंस यूनिट खोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हेड करो, कर पाओगे? यस सर। यू श्योर? यस सर। आपको एसी के कैबिन में बैठकर लिखने की आदत पड़ चुकी है। सिकेरा साहब आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? पुलिस वालों की बेइज्जती कर रहे हैं नेहा जी आप। अब सिर्फ गुंडों की चिता चलेगी राजेश, शमशान की आपको मैं ठंडा नहीं होने दूंगा। सर अगर कोई मेरे आदमी में पहले ही गोली चलाएगा तो सर मैं उसे फूलों की माला तो नहीं पहना सकता ना सर, और मैं उसे ये नहीं कह सकता कि गोली चलाने के लिए धन्यवाद, अगली बार कब चलाएंगे ये बता दीजिए। तो फिर इज्जत से ही बता देते, 5 लाख की भीख मांगने की क्या जरूरत है? आदमखोर को घास फूस खिलाने में बहुत मजा आता है मुझे। लगता है कोई पहली बार मर गया यहाँ मुजफ्फर। चलो ये भी अच्छा है कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम मर्द नहीं हो। क्रिमिनल्स आम आदमी को मार के हीरो बन जाते हैं सर, और हम लोग क्रिमिनल्स को मार के अपराधी बन जाते हैं। तुझे पता बाबूश, कभी कभी इंसान का मुंह उसके पिछवाड़े से क्यों हो जाता है? जब सही जवाब ना। 100 रुपए दूंगा मैं तेरे शौकीन भाई को, जो तेरे को देख के ये बता दे तेरा मुंह ज्यादा लाल है या तेरा पिछवाड़ा। मुझे किसी भी चीज का हिसाब नहीं चाहिए, ना ही कितना खर्चा हुआ और ना ही गोलियों का हिसाब। मुझे चाहिए तो सिर्फ एक चीज का, कि कितने लोग मरे। सर जी अगर मर गए तो घर वालों के मिलेगा लाश नहीं। और कोई सवाल? मेरा जी अब इस शहर के लोग ही हमारी मदद करेंगे। वो क्या है कि मुजफ्फरनगर में खेतों में गन्ने और नहरों में लाशें सड़क पर चूती हुई मिलती हैं। मिश्रा जी फैसला हो चुका था, इसलिए बंटी झाले समय अपने साथियों के साथ ऊपर है। आप लोग एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी इंसान मेरे सिपाही पर एक गोली चलाएगा तो हम बदले में उसके अंदर 100 गोलियां भर देंगे। आप लोगों को जो करना है करिए, जो लिखना है लिखिए, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। अब मुजफ्फरनगर में ऐसा ही होगा। जय हिंद।